नगर निगम हल्द्वानी की बोर्ड बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने पानी की समस्या को लेकर नगर निगम पर पश्चाताप करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में पानी के संकट को लेकर जनता परेशान है। गांधीनगर के पार्षद रोहित कुमार ने कहा कि उनके क्षेत्र के अलावा सभी क्षेत्रों में पानी है, बस उन्हीं के क्षेत्र की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहीं बैठक के दौरान मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया गया, जिससे पत्रकार नाराज नजर आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहे लोकसभा जाइए, राज्यसभा जाइए, सब जगह पत्रकार आते हैं, इनका लाइव चलता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी की तानाशाही चल रही है, वो पत्रकारों को बाहर कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी गैर संवैधानिक है। मेयर साहब ने जिस हिसाब से पत्रकारों को बाहर करा, हम इसका करा विरोध करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिना बजट के कोई भी बोर्ड बैठक असंवैधानिक है। मैं आज नगर निगम में बोर्ड मीटिंग है, यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे क्षेत्र में कम से कम 2 महीने से पानी नहीं है। पानी की लाइनें हर गली गली बिछी हुई है, हर गली में पानी की लाइन बिछी हुई है, लेकिन वो लाखों रुपए बर्बाद है, वो लाइनें जोड़ी नहीं गई हैं। मैं पिछले 2 महीने से हल्ला काट काट के जल संस्थान के जे को बोल रहा हूँ, जल संस्थान के ए को बोल रहा हूँ, लेकिन कोई वहाँ पर आने तक के लिए तैयार नहीं है।